नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आपने बास्केटबॉल प्लेयर को तो देखा ही होगा, उनकी हाइट 6 फीट या फिर उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि कैसे उनकी लंबाई बाकियों के मुकाबले इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। वह ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि उनकी शारीरिक बनावट आम लोगों से बिल्कुल ही अलग बनती है, और आप कैसे 18 उम्र के बाद भी अपनी हाइट को 4 से 5 इंच आसानी से बढ़ा सकते हो। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए 4 ऐसी बेहतरीन और असरदार टिप्स लाया हूँ। इसे अप्लाई करके गारंटीड आपकी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बस आपको उस सीक्रेट फॉर्मूला को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों लंबी हाइट कौन नहीं चाहता, हर 4 में से 1 इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी भी हाइट लंबी हो, उसकी भी बॉडी मस्कुलर हो। और दोस्तों आप मानो या ना मानो, लड़कियां भी ज्यादातर लंबे लड़कों की तरफ ही जल्दी से आकर्षित होती है। अब कई लोगों की हाइट थोड़ी कम रह जाती है, जैसे कि 4.5 फीट या फिर 5 फीट, जिससे कि वह अपने फ्रेंड्स सर्कल में हमेशा मजाक का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इस चैनल को क्रिएट किया हूँ। अब आपको बस एक कमेंट्स करने की जरूरत है और आपकी प्रॉब्लम वीडियो के जरिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, कि नेचुरली तरीके से हाइट कैसे बढ़ाएं। दोस्तों बास्केटबॉल खेल में जंपिंग का श्रेय सबसे ज्यादा जाता है लंबी कद को, क्योंकि आप खुद देखना, जब आप दौड़ लगाकर बार बार हाई जंप लगाते हो तब हमारी सांसें ज्यादा फूलती है, जिसके कारण हमारे शरीर के एक एक अंग में ऑक्सीजन आसानी से पहुंचता है, और लंबे समय तक ऐसी एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन, जिसे HGH हार्मोन कहते हैं, उसे तेजी से बनाने लगता है। क्योंकि बास्केटबॉल कोर्ट पर बार बार कूदने को एक तरह से हाइट बढ़ने में सक्षम माना जाता है। जब आप कूदने के लिए आगे बढ़ते समय आप अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं, रिबाउंड के लिए पहुंचते हैं या लेप के लिए जाते हैं, तो नीचे आते समय शरीर का वजन और गुरुत्वाकर्षण काम करते हैं, जिससे आपका शरीर संकुचित होता है, जिसके कारण आपके विकास प्लेटों में अतिरिक्त रक्त प्रवाह होता है। जंपिंग के अलावा बास्केटबॉल में दौड़ना भी शामिल है, जिससे कि HGH हार्मोन तेजी से रिलीज होता है, जो हार्ट के ग्रोथ में काफी मदद करता है। ड्रिबलिंग और शूटिंग दोनों ऐसी एक्टिविटी हैं जिनमें पूरे शरीर की कसरत होती है, बाहों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। बास्केटबॉल ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे शरीर की कसरत कराती है, यानी कि पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है, और यह बढ़ते बच्चों के लिए तो काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए योगा बेस्ट टिप होगी, क्योंकि योगा करने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी बनी रहती है। योग करने से शरीर लचीला बना रहता है, इसके साथ ही योगा करने से मसल्स भी मजबूत होते हैं। कई एक्सपर्ट तो यह भी कहते हैं कि योग करने से हाइट बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ खास योगासन चुनकर लाया हूँ, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें की है माउंटेन पोज, कोबरा पोज, चाइल्ड पोज, वॉरियर पोज, चक्रासन, पश्चिमोत्तासन, धनुरासन और ताड़ासन। दोस्तों ताड़ासन करते वक्त अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है, यह बात याद रहे। और यह कुछ योग है जो अभी मैंने आपको बताया, जो कि आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को काफी बढ़ाती है, और इनसे आपकी हाइट में भी जल्दी बदलाव देखने मिल सकता है, इसलिए इसे जरूर करना। टिप नंबर 3, हाइट बढ़ाने के लिए साइड स्ट्रेचिंग जरूर करें, क्योंकि जब आप साइड स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके शरीर के एक एक कोने में खिंचाव पड़ता है। और दोस्तों सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज को बार बार खींचते हैं तो उसका बढ़ना लाजमी है, इसीलिए बॉडी स्ट्रेचिंग हर रोज करें। यह आपके एक्स्ट्रा फैट को भी कम करता है, और बॉडी स्ट्रेचिंग हाइट बढ़ाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। टिप नंबर 4, दोस्तों हाइट बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से आपके पेट की चर्बी तेजी से कम होती है। सूर्य नमस्कार हमारी बॉडी को काफी फ्लेक्सिबल बनाता है, और सूर्य नमस्कार करने से हमारे पेट और शरीर के सभी जोड़ों की मसल में खिंचाव आता है, जो कि हाइट बढ़ाने के लिए जोड़ों में तनाव बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा आप रनिंग, साइकिलिंग भी जरूर करें, और स्विमिंग हाइट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी एक्सरसाइज है, इसीलिए स्विमिंग भी जरूर करें। और दोस्तों अब बताता हूँ
सबसे मेन एक्सरसाइज जो कि हमारी हाइट को तेजी से बढ़ाती है वह है लटकना। जी हाँ दोस्तों, आपने आज तक हर किसी के मुंह से यही सुना होगा कि अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो आपको लटकना चाहिए। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल ही सही है, लटकने से हाइट बढ़ती है। अब बात करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी हार्मोन होता है उसे कैसे बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता कैसे है। मानव विकास हार्मोन HGH एक छोटा प्रोटीन है। यह मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि के भाग में बनता है। अब कई रिसर्च तो यह भी कहती है कि इसे सुधार कर हाइट को नेचुरल तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है। एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपके HGH हार्मोन के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। और दोस्तों साइंस भी कहती है कि हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सबसे अधिक बढ़ाता है। और HGH हार्मोन को बढ़ाने के लिए अमीनो एसिड्स जैसे खाद्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अमीनो एसिड को शरीर के टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसके साथ ही वे HGH हार्मोन के स्तर को भी तेजी से बढ़ाते हैं। अमीनो एसिड बढ़ाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट फूड्स हैं जिनका आपको सेवन करना है, जैसे अंडे। दोस्तों अंडे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए आप अमीनो एसिड से भरपूर फूड अंडे को भी डाइट में जरूर शामिल करें। और अगर आप हर रोज सिर्फ दो ही उबले अंडे खाएंगे तो यह आपके ग्रोथ के लिए और भी अच्छा होगा। फूड नंबर दो, क्विनोआ। क्विनोआ कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा इसमें अमीनो एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्विनोआ में गेहूं या चावल की तुलना में अधिक लाइसिन नामक तत्व होता है। इस प्रकार से इसमें दूसरे अनाजों के कंपैरिजन में अधिक अमीनो एसिड भी होता है। फूड नंबर तीन, सैल्मन फिश। ज्यादातर फिश में आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सैल्मन फिश अमीनो एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक अच्छा स्रोत है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और फिश कई अन्य तरह के स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। नंबर चार, हरी सब्जियां और रसदार फल। हरी सब्जियां खाने की सलाह हमें आमतौर से दी ही जाती है, लेकिन इसे खाते सिर्फ दुनिया के 20-30% लोग ही। हरी सब्जियां कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इनमें आयरन अधिक मात्रा में होता है। ये खून की कमी को दूर करने का काम करता है। इसके साथ ही सब्जियां हमें लंबे समय तक स्वस्थ रखने का काम करती है। हरी सब्जियों में अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन युक्त भोजन करें, क्योंकि जब आप प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो आपका शरीर इसे अमीनो एसिड में तोड़ देता है, जिससे HGH हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। कम HGH के स्तर के दो लक्षणों मांसपेशियों और हड्डियों में क्षरण को आर्जिनिन अमीनो एसिड रोक सकता है। और दोस्तों कई रिसर्च यह बताती है कि जिनकी हाइट लंबी होती है वह भरपूर नींद लेते हैं, यानी कि अच्छी नींद भी आपकी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत मैटर करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ असरदार पॉइंट्स। अगर आपने इसे अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका हाइट बढ़ाना पक्का है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।